मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती 22वां अध्याय उसका 13 और 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आज हम जो विषय को मनन कर रहे हैं वो उस माहौल के बारे में है जब वो भोज में जब इकट्ठे हुए लोग उस भोज का आनंद उठा रहे हैं। जो लोग आमंत्रित किए गए थे उसमें दुष्ट भी थे अच्छे भी थे, और उन सबको भोज में भाग लेने का एक बड़ा अवसर मिला है। लेकिन हम देखते हैं राजा ने जब अयोग्यों को भी ये मौका दिया है इसमें भाग लेने के लिए, वो हर एक मेहमान को ध्यान से देख रहा है। और जब एक व्यक्ति को पाया जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, राजा अपने दासों को ये आज्ञा नहीं देता कि उसके लिए विवाह का वस्त्र लाया जाए, बल्कि उससे सवाल पूछता है कि विवाह में कैसे प्रवेश कर पाया जब उसने वस्त्र पहना ही नहीं। कई बार हम जब इस भाग को पढ़ते तो हमारे अंदर एक सवाल उठता है, क्या एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करते हुए स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? प्यारे अजीजों, ध्यान दें, यह घटना स्वर्ग के बारे में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में एक व्यक्ति ने प्रवेश करना तो मसीह के धार्मिकता के बिना तो कोई प्रवेश करने का सवाल ही नहीं उठता। यहां पर हमारे प्रभु उनके सामने बैठे हुए जनसभा को समझा रहे हैं कि उन्हें अपने जीवन में कितना ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की करुणा कभी भी परमेश्वर के न्याय से हटकर नहीं है। इसलिए हमें कभी धोखा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ गलतियां करें और थोड़े से आंसू बहाएंगे तो परमेश्वर क्षमा करेगा। ध्यान रखें, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जो कोई परमेश्वर का मजाक उठाता है उसके न्याय का सामना करना पड़ेगा। इधर हम देखते राजा ने किस प्रकार अच्छे और बुरे लोगों को मार्ग के किनारे से भोज के लिए बुलाया, उन्हें विवाह के उस भोज में वस्त्र पहनना है जिसे राजा ने दिया है। वो अपने पुराने वस्त्रों के साथ भोज में भाग नहीं ले सकते। राजा ने अपने गौरव के अनुसार, अपने महिमा के अनुसार, अपने धन के अनुसार हर मेहमान को अच्छा वस्त्र दिया है, और उन मेहमानों को आज्ञा मानने के तौर पर राजा के उस प्रेम और करुणा को जो राजा ने उन पर दिखाया है, इन्हें वो वस्त्र पहनना है। नए नियम के विश्वासियों के लिए वस्त्र परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें जो धार्मिकता का वस्त्र दिया उसे दर्शाता है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, उनके लिए ये वस्त्र स्वर्ग ने इंतजाम किया है। लेकिन इस वस्त्र को पहनना है तो सबसे पहले एक व्यक्ति को समझ में आना है कि वो अपने पुराने वस्त्र के साथ परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति ये बात को समझता है तब वो अपना पुराना वस्त्र हटाकर ही नए वस्त्र को पहनकर भोज में भाग लेगा, और जब वो ये विवाह का वस्त्र पहनता है तो फिर उसको वापस अपने पुराने रास्ते में जाकर खड़े होने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उसे एहसास होता है कि राजा ने उसे चुना है। प्रभु यीशु ये दृष्टांत को समाप्त करते वक्त वो बहुमूल्य वचनों के साथ कहते हैं, बुलाए गए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। ये हमारे लिए भी चेतावनी है। सुसमाचार के द्वारा क्रूस दुनिया भर के सब लोगों को इस बड़े भोज के लिए जो राजा ने तैयार किए आमंत्रित करता है। मनुष्य के उद्धार के लिए स्वर्ग ने पहले से ही सब कुछ इंतजाम किया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर चाहता है कि हर कोई ये भोज का आनंद उठाए और कोई भी इस भलाई से वंचित ना हो। लेकिन जो व्यक्ति उस राजा ने जो भोज के लिए तय किए नियमों का पालन करेगा, वही उस भोज में भाग ले पाएगा। आज हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु के पास प्रभु की भलाइयों को अनुभव करने के लिए आते हैं। उन्हें छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, संसार की आशीषें चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है।
अपने पुराने वस्त्र को, पुराने जीवन को उतारने के लिए वो तैयार नहीं है। उन्हें पुराना जीवन का आनंद भी चाहिए। वो राजा की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। याद रखें, राजा यानी हमारा प्रभु जो न्याय है, हमारे सारे विचारों को जांचता है, आग्रहों को जानता है। हम लोगों को धोखा दे सकेंगे, उनके सामने कपटी का नाटक कर सकते हैं, लेकिन अनुग्रहकारी परमेश्वर हमें दिन दे रहा है ताकि हम अपने गलतियों को पहचाने और सुधारें। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? हम उन्हें प्रभु प्रभु बोलते तो हैं, क्या सच में वो हमारे जीवन के प्रभु हैं? क्या परमेश्वर जो भी आज्ञा दे उसे मानने के लिए हम तैयार हैं? कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने जब खड़े हो तो हमें एहसास हो कि मैंने तो अपने आप को ही धोखा दिया है। ध्यान रखें, बुलाए गए तो बहुत, चुने हुए बहुत कम हैं। आइए हम इन दिनों में हम अपने संसारिक इच्छाओं को दूर करते हुए परमेश्वर की इच्छाओं के लिए जिए और अपने जीवन के द्वारा इस बात को एहसास करें कि चुने हुए लोग कम हैं, हम उनमें से एक हों। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता करें। हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा आप हम एक एक से साफ साफ बात कर रहे हैं। प्रभु, इस भोज में भाग लेने के लिए आपने हम सबको मौका दिया। प्रभु, हमारे पुराने तौर तरीके के साथ हम इस स्वर्ग राज्य को अनुभव नहीं कर सकते। पुराने वस्त्रों को उतार कर प्रभु धार्मिकता का ये वस्त्र पहनते हुए इस भोज का आनंद अनुभव करने के लिए मदद कर। आपके अनुग्रह की बहुत आयत के लिए धन्यवाद। प्रभु, जब बुलाए गए बहुत, चुने गए कम हैं, उस बात को ध्यान रखते हुए चलने के लिए हमें सहायता करें। यीशु मसीह के मधु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम दिनों में हम एक एक को सहायता करें कि हम इस बात की गंभीरता को समझते हुए चले। बुलाए गए तो बहुत, चुने गए बहुत कम है। जो भी हमें देखे मसीह की महिमा को देख सके। प्रभु, हम सबको आशीष दे। हमारे प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।